जल जमाव से बढ़ी परेशानी, भीषण गर्मी में आवागमन की मुश्किल, अंडरग्राउंड पुल का खस्ता हाल, यह तस्वीर है उस अंडरग्राउंड पुल की जो सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। मनिहारी प्रखंड में लालबाग बोलिया गुमटी तथा महियापुर रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से भीतरगामी सड़क को गुजारा गया है जो अब हाथी का दांत बनकर रह गई है। पहले जब रेलवे क्रॉसिंग थी तब फाटक गिरने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, ऐसे में भीतरगामी पुल बना लेकिन उसकी हालत भी खराब हो गई। अब तो हालत ये है कि पटरी के नीचे से गुजरने वाले रास्ते पर भारी जल जमाव है जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। यह समस्या है हम लोग का, इसमें से मोटा मोटी 40 गांव के आदमी आता जाता है इस रोड से, और थोड़ा सा बारिश, हल्का सा बारिश होने के बाद इसमें पानी जम जाता है, जिनके कारण मोटरसाइकिल या साइकिल कुछ भी आता जात नहीं होता है। और उस पार में अगर कोई घटना घट जाती है, कोई बीमारी है, तो एम्बुलेंस भी नहीं आता जाता है। रास्ता काफी नीचे है, ऐसे में पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में मिट्टी कटकर नीचे जमा हो जाती है जिससे यहाँ वाहन से या पैदल गुजरना नामुमकिन सा हो जाता है। यहाँ बहुत पानी है पुल के नीचे और बच्चे ले जाने के लिए रास्ता है ही नहीं, घूम के जाना पड़ता है, पैदल छोड़ना पड़ता है, उसका घर 2-3 किलोमीटर है यहाँ से, और पुल हमेशा पानी रहता है, यहाँ पर जाने का सुविधा नहीं है, कहीं से जाने का उपाय नहीं है। बोलिया गुमटी वाली सड़क आसपास के कई गांवों को कटिहार मनिहारी मुख्य मार्ग से जोड़ती है, ऐसे में रास्ता जाम होने के कारण गांव के लोग कई किलोमीटर घूमकर मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं। वहीं महियारपुर के रेलवे क्रॉसिंग के पास तो और भी भयावह स्थिति है, यहां 3 फीट तक पानी जमा हो जाता है। ये रोड एक ऐसा रोड है जो कि कटिहार और मनिहारी के बीच में ऐसा एक आवागमन है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है पब्लिक का, और इसके चलते जो है आपका कटिहार और मनिहारी के बीच में ये रोड है, मुख्य रोड है, और ये क्या बोल रहा है, पानी इतना जम जाता है, लगभग 6 महीना लगभग परेशानी का सामना उठाना पड़ता है हम लोगों को। हालत ये है कि लोग 15 किलोमीटर घूमकर मुख्य सड़क पर जाते हैं जो इमरजेंसी की हालत में मुश्किल का सबब बन जाता है। ये कुमारीपुर पंचायत अंतर्गत ये लालबाग रेलवे लाइन के नीचे में जो ये रास्ता सरकार के द्वारा बनाया गया है, ये रास्ता तो बहुत महत्वपूर्ण रास्ता था जिसमें कि दर्जनों गांव का लोग इससे आना जाना करता है, प्रत्येक दिन जो है हजारों की संख्या में आर पार करता था, लेकिन ये जो है जब से सरकार ये अंदरगामी पुल बनाया है तब से जो है 6 महीना लमसम जो है ये रास्ता बंद रहता है, हमेशा थोड़ा सा बारिश पड़ने के साथ ही जो है यहाँ पे पानी लग जाता है 3-4 फीट, जिसके चलते में जो है यहाँ के स्थानीय गाँव में जो है किसी तरह का घटना घट जाता है तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकता है, ना कोई स्कॉर्पियो आ सकता है, ना कोई 3-व्हीलर आ सकता है, जिसके चलते जो है लोगों को खाट में टांग कर लेके जाया जाता है। उधर स्थानीय लोग DRM से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्या को सुनी जाए और जल्द से जल्द इस विकराल समस्या से उन्हें निजात मिले। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।